आज दीपावली है और हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि दीपावली या कोई भी पर्व जब तक अपने अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनकी खुशियों में हम शामिल ना हों तब तक वैसे पर्व मनाना का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये हमारे हम जहाँ रहते हैं हमारे बगल में जो हमारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके बीच में दीपावली को मनाना, इनके बीच में पढ़ाई लिखाई को कैसे हम प्रोत्साहित करें, हमारे जो पूर्वज या हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनकी जीवनी को समझना, कैसे संघर्ष करके बड़े आदमी बने, पूरी दुनिया उनको आज जानती है, तो उसके प्रति प्रेरणा देना, ये दीपावली एक मौका है। इसीलिए हम जो यहाँ पर ज़रूरतमंद बच्चे थे, खास करके जो हमारी बच्चियाँ थी उनके बीच होली दिवाली मनाने का काम करते, इसलिए आज दिवाली का मौका था, इसलिए हमने सोचा इन लोगों के बीच दीप मिठाई और किताब बांट करके इनके साथ खुशियाँ मनाने का। सर, जो किताब आप बांट रहे हैं काफ़ी ज्ञान वर्धन वाला किताब है, उससे क्या संदेश आप देंगे? ऐसे है कि बच्चे हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने कैसे अपनी पढ़ाई पूरी की और किस तरह से आगे बढ़े हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सभी लोग कोई बहुत बड़े परिवार से थे और उनके पास बहुत संपत्ति था, लेकिन जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने संघर्ष करके एक अपनी पहचान बनाई है। तो हम अपने बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं जो हमारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं कि कल आप भी इनमें से एक ऐसा बन सकते हैं, इसीलिए इन किताबों का हम वितरण कर रहे हैं। बिहारवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? हम दीपावली में सभी अपने बिहारवासियों को शुभकामना देते हैं। प्यार मिल्लत के साथ जिस तरह से माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी प्यार मिल्लत से फिर बिहार को और एक नई छलांग लगाने के लिए बिहार तैयार है। बिहार 18-19 वर्षों में नेता ने बिहार को इतना मजबूत बनाया है कि बिहार जो अपनी खोई हुई विरासत, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को पाने के लिए उत्सुक बिहार है, वो बिहार पूरी तरह से वो प्लेटफॉर्म तैयार है। अब बिहार एक बड़ी छलांग, विकास की एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। हम सब मिलकर के उस नए बिहार की बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में एकजुटता का प्रदर्शन करें। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।